वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? तो कल आप सबको मैंने छोटा सा क्लिप दिखाया था, सो मैंने पूरा पैकिंग कर लिया है एंड कल मेरी गाड़ी लोडिंग गाड़ी जा चुकी है। यहाँ से मैंने सामान सब पैक कर लिया है एंड मैं अभी आज जा रही हूँ देहरादून वापस ट्रेन से। सो थोड़ा सा बुरा लग रहा है एंड खुश भी हूँ क्योंकि दोबारा अपने रूम अपने घर वापस जा रही हूँ इस वजह से। एंड दुख इसलिए हूँ क्योंकि अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाया है मैंने, बहुत बहुत अच्छे हैं, सो उनकी बहुत याद आएगी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे मैं रहती थी जिस रूम में, तो वहाँ पे वापस मेरी फ्रेंड रह रहे हैं। यहाँ पे सामान सब शिफ्ट कर लिया है उन लोगों ने एंड ये नया पर्दा आप लोग ने देख, ये पर्दा भी चेंज कर लिया है और अच्छा लग रहा है। हाय गौरी। हेलो हेलो। ये है गौरी और ये यहीं पे रहते हैं। नहीं अच्छा यहीं पे रहते हैं ना। हाँ और आज हम लोग जा रहे हैं, तुनिशा है ना, तुनिशा देहरादून जा रहे हैं ना आज। हाँ तो गौरी लोग यहीं पे रहेंगे। मिस करोगे गौरी? हाँ हाँ। आप नहीं घर आओगे ना? कहाँ पे? ठाकुरपुर में। हाँ ठाकुरपुर। हाँ ये भी देहरादून के हैं, सो वहाँ पे जब आएंगे तो मिलेंगे पक्का। ओके अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और रेडी होने के बाद 10:30 बजे का ट्रेन है और सो हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे। थोड़ा सा टेंशन है मुझे क्योंकि ज़्यादा सफ़र किया नहीं है मैंने ट्रेन से, तो इस वजह से, और अकेली हूँ मैं और जेंट्स भी नहीं है। पिछले बार आई थी तो साथ में मेरे देवर जी और मेरी सास थे मुझे छोड़ने के लिए, तो सो अभी इस बार कोई भी नहीं है, मैं ऑटो करके जा रही हूँ वहाँ पे। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे और अभी मैं रेडी होके जाऊँगी, तो थोड़ा सा दुख लग रहा है, तो पता नहीं कब मिलेंगे। अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरे लिए खाना बना रहे हैं ट्रेन के लिए, जो सफ़र में खाने के लिए मेरे लिए बना रहे हैं मेरे फ्रेंड। और पता नहीं, और लास्ट टाइम मैं इनका हाथ का खाना खाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी। ये भी लास्ट है वीडियो। ये देखो इनसे भी मिल चुके हो। हेलो, इनसे मिल चुके हो आप लोग पिछले वीडियो में और ये भी मुझे मिलने के लिए आए हैं। देखो आप लोग देख सकते हो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आलू दम कहाँ पे मिलेंगे बताओ? आलू दम और क्या है मेनू में? रोटी। आलू दम और रोटी मेरे लिए बना रहे और ये लास्ट टाइम होगा शायद हमारा, है ना? उसके बाद हम तो वहाँ पे भी मिलेंगे। नहीं नहीं ऐसे ना, सबके हाँ, साथ सबके साथ। हाँ ये देहरादून गौरी की मम्मी है जो आपसे अभी मिलाया था और ये सुनीता बहनी है। ये लास्ट टाइम होगा शायद, है ना? अगर प्लान बन जाएगा तो दार्जिलिंग से है ना ये भी, तो दार्जिलिंग जाएंगे अगर मिल जाएगा तो, अगर प्लान होगा तो। ये भी मेरे लिए खाना बना रहे हैं और ये है मेरे क्वार्टर में मेरे रूम में यहाँ पे कुछ है, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि और दूसरे लोग आए नहीं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, तो इनको मैं जानती हूँ तो अच्छा लगा। यहीं पे है, मेरे घर में ही है। और ट्रेन में पहुँचने के बाद आपसे मिलूँगी, तो अभी के लिए बाय बाय। ट्रेन से हम लोग बस में चढ़ चुके हैं। ट्रेन वाली पार्ट्स आपको दिखाया नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा था इस वजह से। एंड तुनिशा को देखो सुबह सुबह के टाइम ये उठ गई है। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग सबको। अभी हम बस में चढ़ चुके हैं एंड बस से देहरादून जाएंगे।
सुबह का टाइम है तो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। लेट्स गो। नींद आ रही है, नींद आ रही है। अभी हम आइस बिट्टी में पहुंच चुके हैं एंड अभी बस का इंतजार कर रहे हैं। बस आएगा तो फिर प्रेमनगर जाने वाली बस में जाएंगे। सो सुबह के टाइम में नींद पूरा हुआ नहीं है, दर्द हो रहा है आंखें। देखते हैं कब आएगी और घर पहुंचने के बाद आपसे मिलूंगी। सो अभी के लिए बाय बाय। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद हम अभी नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह चाउमीन। नाश्ता खाने के बाद आपसे बाद में मिलूंगी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो अभी के लिए बाय। तो गाइस घर में पहुंच चुकी हूँ। नाश्ता खाने के बाद मैंने वीडियो आगे नहीं बनाया था इस वजह से क्योंकि आज ही मैं आई और आज मेरी मम्मी नेपाल से आई है तो एक साथ हो गया। और जो मैंने कल लोडिंग करवाया था सामान वो आज ही पहुंचा तो इतना थक चुकी हूँ गाइस आपको पता नहीं सकती। एंड इतना सारा सामान है जो मुझे ये सब सामान समेटना है और ये मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूँगी और कब होगा ये सब सामान। और आज ही मेरे हस्बैंड आ रहे हैं घर तो सब आज ही आ रहे और आज ही मिल रहे हम लोग। एंड पता नहीं आज मिलना लिखा था शायद सबको एक ही दिन। तो सो आप सबको दिखाऊंगी घर इतना फैला हुआ है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। सो अभी मैंने बेड तो सही कर दिया, बेड सेट वगैरह चेंज कर दिया, बेड लगा दिया एंड मम्मी का भी बेड तैयार हो चुका है। आपको दिखाऊंगी, ये है बेड रेडी कर लिया। और सामान देखो गाइस, अब सामान इतना सारा सामान है और इसके अंदर भी ये मेरी मम्मी है। हाय मम्मी। हाय। ये मेरी मम्मी है नेपाल से, मुझसे मिलने के लिए आई है। ये देखो गाइस इतना सारा सामान, मम्मी का सामान, मेरा सामान और अभी मेरे हस्बैंड आएंगे उनका सामान, सबका सामान, सब सामान मिक्स होने वाला है यहाँ पे। और तो गाइस यही था आज का मेरा दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आगे वीडियो बना नहीं पाऊँगी और कैसे करूँगी कैसे होगा वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी क्योंकि इतना सारा सामान है कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सो गाइज आप सबको कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो एंड आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गुड नाइट बाय।